अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमल वी, यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। और आज हम आपके लिए सिटी व्यू करेंगे। ये देखें हमारा वॉकिंग ट्रैक, और आज हम इस साइड से जाते हैं। जरा तो ये है स्टॉकहोल सोलेंटूना का इलाका, और यहाँ थोड़ा सा हम अपनी वीडियो बनाते हैं चलते हुए। ये आप देख रहे हैं, ये एक वॉकिंग ट्रैक है और एक पार्क भी है जहाँ पे लोग अपने जानवरों को टहलाने के लिए लाते हैं। और इस वक्त थोड़ा सा आबादी का इलाका है, और सामने ये जो पार्क आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे से अंडरग्राउंड एक हाईवे गुजर रहा है जो कि नॉर्वे उस्लो भी जाता है और स्वीडन के नॉर्थ और साउथ में जाता है। E4 हाईवे का नाम है। E4 का मतलब है, E का मतलब है यूरोपियन, यूरोप हाईवे समझ लें, यूरोप हाईवे 4, यानी ये रोड जो हर जगह जा रही होती है, जा रही है पूरे यूरोप में, कहीं भी आप जा सकते हैं। है तो इस वक्त देखते हैं कि सामने मैक्स है, मैकडोनल्ड की तरह का यहाँ पे खाना वगैरह बर्गर वगैरह मिलता है। अभी एक साइकिल ट्रैक भी है, लोग इससे, ये एक साइकिल ट्रैक भी है। खैर, इस पर लोग साइकिलिंग भी करते हैं। मौसम अच्छा है, और 9:30 बजे हैं, अगर आप समझे तो रात के 9:30 बजे, और ये आपके सूरज निकला हुआ है बेहतरीन तरीक़े से। और ये आप देख रहे होंगे नीचे से जो है हाईवे गुजर रहा है नीचे से, ये खैर साइकिल ट्रैक है और वॉकिंग ट्रैक ही है। समर में वो साइकिलिंग बहुत करते हैं लोग, ये है। यहाँ से नीचे से हम जाएंगे, तो यहाँ की ख़ास बात जो सबसे अच्छी है वो ये है कि वॉकिंग ट्रैक जो है इन्होंने बिल्कुल अलग रखा हुआ है, साइकिल चलाने का और वॉकिंग ट्रैक, ये दोनों अलग रखे हुए इन्होंने, ये सबसे ख़ास बात है। और इसी ट्रैक पर चलते हुए हम पहुंच जाएंगे।
तो इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है और अमूमन अगले 2-3 महीने बाद यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, जो कि इस वक्त आपको मौसम अच्छा नज़र आ रहा है। ये पूरा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ होगा कुछ ही देर, कुछ महीनों बाद, ख़ासतौर पर क्रिसमस जब करीब आता है तो लोग जो यहाँ पर काफ़ी कुछ करते हैं, घूमना फिरना। समर में ही होता है। ये था हमारा व्लॉग।